नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछी मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान समर सबुठारु बड खबरु छत्तीसगढ़ लालगढ़ रे माओवादी नरसंहार भयंकर अभीभत्स घटना छत्तीसगढ़ सुकमा अंतर्गत बीजापुर सुरक्षाकर्मी और नक्सल मध्ये होइतिबा गोलीकांड रे 22 जन सुरक्षाकर्मी शहीद होइछंती। गतकाली 2 टी मृतदेह मिलिथिबा बळे आज 20 टी मृतदेह मिलिछि। एबे भी जने जवान निखोज अछंती। सेहिपरि ए गोलीकांड रे आहत होइछंती अनेक जवान। सुकमारे होइतिबा गोलीकांड घटनास्थल रे पहुँचिथिले आम प्रतिनिधि सतीश। यार किसी समय पर पहुंची पुलिस तेरे किसी समय तले पुलिस पहुंची मृतदेह को उद्धार कर भिजुआल देखिपे चित्र देखिपुट एक्सक्लूसिव भिजुआल आप देखिपुट आम न्यूज 18 देखा सुपर एक्सक्लूसिव भिजुआल जो भाव में जो गोलीकांड हो भयंकर और विभत्स चित्र सामना आसी 22 जन सुरक्षाकर्मी शहीद होती। गतकाली 2 मृतदेह मिलता बेले आज 20 मृतदेह मिली। तार आप दृश्य देखिपुट कि भाव में बर्बरचित घटना घटी। तेरे भयंकर बर्बर कांड घटी स्थल में जीवन को बाजी लगाई गोलीकांड स्थल गाँ टेकेलगुड़ा पहुंची आम प्रतिनिधि सतीश। आसत देखा से किपरी सेठाकर दृश्य। टेकेलगुड़ा में खड़ा हूं जहां पर कल सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 20 जवान शहीद बता रहे हैं, जिनके शव जो है टेकेलगुड़ा गांव में रखे हुए हैं। एक जगह जो है करीब 7 शहीद जवानों के शव रखे हुए थे। उसके बाद जो है एक जो है शहीद जवान का शव जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ये मुठभेड़ के दौरान जो है गोली लगी है, पीठ में गोली लगी है, जिसके बाद जो है जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। और ये जो है कल करीब 10 से 11 बजे घटना बताई जा रही है। ठीक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी फोर्स अभी यहां तक नहीं पहुंच चुकी है और सबसे पहले न्यूज 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और यहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। मृतदेह पड़ीतिबा घटनास्थल पर पहुंची थिले हमारे प्रतिनिधि। आसन देखिबा सेठाकर परिस्थिति की परी अछि। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले ग्राउंड स्तर पर पहुंच चुकी है और इस वक्त मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं, जहां पर कल जो है बीजापुर इलाके और सुकमा के सरहदी इलाके में जवान और नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई थी। इस वक्त जो है शहीद जवानों के पार्थिव शरीर यहां पर पड़े हुए हैं और ये खेत में जो है जवानों के शव जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि करीब 20 से 21 जवान जो है शहीद हुए हैं, जिनकी बॉडी जो है यहाँ पर है और जिस घटना स्थल पर मौजूद हूँ यहाँ से करीब थोड़ी दूरी पर और जवानों के शव वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है और सबसे पहले न्यूज 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और आपको सीधे यहां से तस्वीरें दिखा रही है। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। वर्तमान सुकमा हॉस्पिटल में आहत जवान का चिकित्सा जारी रही। सेठे किभली अच्छी परिस्थिति से संपर्क में जानवा चलतु सीधा सड़क जावा सेठाक हॉस्पिटल देखा किभली रही सेठाकर दृश्य। किभली भाव में जो मैंने गुरुतर आहत अच्छा से ट्रीटमेंट कर इस वक्त जिला चिकित्सालय में ये जो भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये वो जवान हैं जो इस एनकाउंटर में बुरी तरह से फंसे हुए थे। उस एनकाउंटर में क्या कुछ हुआ, किस तरह से माओवादियों ने हमला किया, जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, पुलिस के जवानों की तरफ से किस तरह से हुई, ये हम आपको बताने समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं जवानों के माध्यम से जो जवान इस एनकाउंटर में शामिल रहे। सर, किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, ये पूरा वाक्या हुआ? सर एक्चुअली हम कल रात को ही निकले थे ड्यूटी के लिए, तो हमको भी पता चल रहा था उस एरिया में गतिविधि चल रहा था नक्सलियों का, लेकिन अचानक हमारे ऊपर घात लगाया वो लोग एम्बुल चारों तरफ से, और जवाबी कार्रवाई हमने भी अच्छा किया और उनमें से उनका भी काफ़ी कैजुअल्टी हुआ। वो डेड बॉडी उसमें से हम कुछ रिकवरी कर पाए, लेकिन अपना भी थोड़ा कैजुअल्टी होने के बाद इसलिए पूरा को हम उसको रिकवरी कर नहीं पाए। उनकी कितनी कैजुअल्टी हुई होगी, माओवादियों की कितनी बड़ी कैजुअल्टी हुई होगी? उनकी 10 से ज़्यादा है। कितने देर तक एनकाउंटर चला होगा? 5 घंटे तक। 5 घंटे तक, कितने समय से कितने समय तक? 10 से लेकर आपका 3 बजे तक चलते रहा। ओके, बहुत लंबा एनकाउंटर था। कभी इतने लंबे समय तक आप एनकाउंटर में फंसे रहे? इससे पहले मैं इधर ही था, लेकिन इतना लंबे समय तो कभी फंसा नहीं था। ये बड़ा एनकाउंटर रहा? बहुत बड़ा एनकाउंटर है। कितने जवानों ने अपनी शहादत दी होगी इस मामले में? अभी इतना भी पुष्टि नहीं कर पाया कितना हुआ। हम लोग 9 बजे 65 से वापस आ रहे थे सर,
कहाँ से वापस आ रहे थे? वहाँ पैंट में पहुँच के ईट करके उधर से आप से आ रहे थे जी। उसी समय एक बैसा टाइप पहाड़ को बीचों बीच आ रहे थे जी। वहीं पे इनकाउंटर हुआ। नक्सलियों की संख्या कितनी रही होगी? कम से कम 600-700 से अधिक था। 600-700 नक्सली रहे जी। आप लोगों की संख्या कितनी रही? 400 आप थे। अच्छा, सुकमा से भी आए थे जवान? सुकमा वाले नहीं पहुंच पाए थे सर। उसमें ये हुआ था, जैसा एक दिन का ऑफ्स लॉन्च हुआ था हमारा, जो स्पेशल जो हमारे लिए मतलब यहाँ से भेजे थे, तो भेजने से क्या है, हम लोग सर्चिंग करते हुए वहाँ पे गए थे अपना जोनागुड़ा में और टेकुटगुड़ा में जी। और वहाँ से जैसा ऑफ्स तो हमारा सही हुआ था और वापसी में मतलब ये हुआ है घटना जी। तो जोनागुड़ा और टेकुलगुड़म के बीच में ही हुआ है सर एनकाउंटर? सर किस तरह के हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया होगा सर? जो हमारे पास है, जो वेपन्स कोई वाला है उनके पास। तो ब्लास्ट जो हुआ है सर, क्या वो यूबीजेल के सेल से हुआ है या टिपिन बम या फिर जो कंट्रोल रिमोट कंट्रोल जो बम होता है सर? नहीं, टिपिन बम वगैरह से तो नहीं हुआ है, इसमें यूबीजेल और एची जो बोलते हैं टंच मोटर। आप किसमें जख्मी हुए हैं सर? बुलेट इंजरी थी या फिर बुलेट पे हुआ? बुलेट इंजरी सर। जो टुकड़ी फंसी है उसमें कितने जवान शामिल थे एम्बुस में माओवादी? सभी लोग थे। हम लोग सारे थे। मुकेश चंद्राकर, News18, बीजापुर। घटना संपर्क में कौन कहते सुरक्षा विशेषज्ञ आसंत जानिबा। लॉन्ग रन बैटल है, अभी चलेगी, क्योंकि ब्रेन वॉश्ड लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको माओवादियों ने ब्रेन वॉशिंग की है, और जो इंडॉक्ट्रिनेटेड ब्रेन वॉश्ड होते हैं वो आगे की आगे गांव में चलता रहता है, और जंगल हम काट नहीं सकते, एनवायरनमेंट और बहुत सी दूसरी जरूरियात की वजह से जंगलों को तो बढ़ावा दे रहे हैं, काट नहीं सकते। ऐसे हालात में उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, उन्होंने एम्बुश किया हमारी पार्टीज को, CRPF या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी हैं, और ऐसे एम्बुशेस चलते रहेंगे। उन एरियाज में डेवलपमेंट में सरकार लगी हुई है, साथ में हमें पूरा क्यूरिकुलम चेंज करना पड़ेगा, जो ये हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड क्यूरिकुलम यानी कि सिलेबस है, उसको राष्ट्रवादी बनाना पड़ेगा। अब तो शुरू में जो कांग्रेस हुकूमत में सिलेबस बनाया उसमें राष्ट्रवाद का जज्बा कम और साम्यवाद और समाजवाद, अब तो साम्यवाद और समाजवाद रशिया से ही ख़त्म हो गया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से ख़त्म हो गया, चाइना ने भी अपने आप को टोटली तब्दील कर लिया मिक्स्ड इकोनॉमी में, मगर हम उस मिराज के पीछे हमारे नक्सली अभी तक दौड़ रहे हैं, जो नाकामयाब रहेंगे। और हमारा देश का यहाँ भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन से जो है मुकाबला है साम्यवादियों का, वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, मगर ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। संपर्क में निजर प्रतिक्रिया रखी CRPF डीजी, इससे कौन कहते जवानों से हम लोग मिल के आए, जिसमें 7 हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 7 में से एक लोकल पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, 6 हमारे हैं, और उन 6 में से 2 ऑफिसर यहीं पे हैं। तो उन ऑफिसर्स के तहत ये पता चला कि जिस जगह पर गए थे लोग ऑपरेशन करने जोनागुड़म, वहां से ऑपरेशन करके लौटती हुई पार्टी के ऊपर में इन्होंने अपना जो कंट्री मेड एक UBGL राउंड्स बहुत सारे बनाए हुए हैं इन्होंने, उससे फायरिंग चालू की। तो जिस एक फॉर्मेशन से हमारी सारी टीमें वापस आ रही थी, उस टीम पर जब एकाएक बहुत जोरों से UBGL के राउंड्स आने लगे तो थोड़ा सा ये लोग हतप्रभ हुए, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने HE ग्रेनेड्स लॉन्च करके उनको कंट्रोल किया, उनके एम्बुश को तोड़ के आगे बढ़े, लेकिन उस तोड़ने के दौरान हमारे कम से कम 4-5 जवानों को इंजुरी हुई। जब इंजुरी हुई तो उसके बाद बॉक्स फॉर्मेशन में उन 3 तरफ से बॉक्स बना के सामने की तरफ 2 पार्टियां चलती हुई और पीछे की तरफ से घेर के इंजर्ड को बीच में रख के आगे बढ़ने लगे लोग,
इस बीच में वहां के गांव के पास के जन मिलिशिया के लोग जो हैं वो मिलकर के वो एक तरह से हथप्रभ करने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने, और फिर से एक एम्बुश लगाने की कोशिश की, और ऐसा लगा कि कहीं से दूर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से उन्होंने कोई एलएमजी का एक माउंट कर रखी थी जिससे वो बहुत जोरों से बर्स्ट फायर वगैरह चालू किया उन्होंने। उसके दौरान में फिर अपने जवान आगे बढ़ते हुए और उसको तोड़ते हुए अपने सारे जवानों को जितने संभव थे उनको लेके आए। बाद में जब पहुंचे हैं तो उस वक्त तक हम लोगों ने अपनी और सीआरपी की जो आसपास की जो जीडी बटालियंस थी उनको भी मुस्तैद करा दिया था, तो आगे जाकर के इनको साथ लेके वापस आ गए। वापस आने के बाद में जब सबका मिलान होने लगा कि कितने लोग कहां पर हैं, तो ये पाया गया कि करीब 21 जवान जिसमें से 8 डीआरजी के, 6 एसटीएफ के और 7 कोबरा के जवान नहीं मिल रहे हैं। तो तब से वही 21 जवानों की मिसिंग चल रही है, और आज अभी जब जैसा कि आपको साहब ने बताया कि 20 जवानों की मॉर्टल रिमेन्स मिल गए हैं, 2 के तो कल साथी ले आए थे इंजर्ड थे, और बाकी जितने इंजर्ड थे टोटल 31 उसमें से 16 सीआरपी के हैं, उन 16 में से 7 यहां पे भर्ती हैं, सभी का इलाज ठीक से चल रहा है। वही देखने में गया था, सबसे मिलके भी आया हूं, 2 का ऑपरेशन हो रहा है उनसे नहीं मिल पाया हूं, बाकी 5 लोगों से मिलके भी आया हूं, और अदर माइनर इंजरीज के साथ बाकी जवान बीजापुर में भर्ती हैं। उसमें से कोई भी ऐसी हालत में नहीं है कि किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो, सब खतरे से बाहर हैं, तो ये आज की परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल एवं आसाम गस्तरे अछंती, आज संध्या बाघेल राज्य को फेरिबे। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सर, बड़ी घटना है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कई जवानों के लापता होने की भी खबर है। हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे और 5 कैंप से निकले थे, एक कैंप पे हमला हुआ, एक कैंप के जो जवान निकले थे और बहुत बहादुरी से लड़े, करीब लगभग 4 घंटे दोनों तरफ से फायरिंग हुई और हमारे जो जवान हताहत हुए हैं, लेकिन नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो जानकारी आई है वो 4 ट्रैक्टर में वो लोग जो नक्सली हताहत हुए हैं उनको ले गए हैं, तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। गृहमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई? गृहमंत्री जी का फोन आया था, उनसे भी बात हुई है, और सीआरपीएफ के डीजी वगैरह जा रहे हैं, आज शाम को मैं भी जाऊंगा। आज शाम को रवाना होंगे? जी, शाम को जा रहा हूँ। सर, ये भूपेश बघेल थे हमारे साथ बात करने के लिए, और उन्होंने कहा कि जो मुठभेड़ हुआ है उसमें जवान तो शहीद हुए हैं, लेकिन जो नक्सली हैं उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो संपर्क में है, गृहमंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है, और उनका कहना है कि आज वो असम से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। छत्तीसगढ़ सीमांत बीजापुर नक्सल आक्रमण घटना रे शहीद को श्रद्धांजलि जणाइले डीजीपी, छत्तीसगढ़ पुलिस एवं सीआरपीएफ को समवेदना जणाइछन्ती डीजीपी अभय। छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ एवं ओडिशा पुलिस मिलित भाव में माओ दमन अभियान जारी रखिबे पुलिस कहिछन्ती। मोर सद्भावना एवं संवेदना जनाउछि मु छत्तीसगढ़ पुलिस को एवं सीआरपीएफ को, जहां जवान शहीद होइछन्ती काली, आमे समस्ते मिसिके ए नक्सल मानक मुकाबला करिया को प्रतिबद्ध। उड़ीसा रे तांको संख्या रे तांके प्रभाव रे कमी आछि, आमे छत्तीसगढ़ पुलिस सीआरपी समस्ते मिसिके ए मानको दमन करि। आज मालकानगिरि गस्तरे पुलिस डीजी अभय, अभयंक समेत अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी मध्य उपस्थित। आज माओ समीक्षा करने सहित माओ प्रवण अंचल में उल्लेखनीय कार्य पर मालकानगिरि एसपी समेत अन्यान्य 30 पुलिस अधिकारी सम्मान मिली। स्वाभिमान अंचल सहित अन्यान्य माओ प्रवण अंचल में माओवादी को मूलपोच करने मालकानगिरि पुलिस अवदान अनेक डीजीपी। आगक रही गुरुत्वपूर्ण खबर, किंतु वर्तमान समय हो ब्रेक नहीं जीवा। न्यूज हेडलाइंस रा प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा सब रोग सफा।
न्यूज हेडलाइंस रा प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. ब्रेकपुर स्वागत शेषे हटिला बीजेपी विधायकों अहोरात्र धारणा धारणा भांगे बीजेपी विधायक यापर प्रेसमिट कर बाचस्पति विरोध में बर्षिले गतका विधानसभा बाचस्पति उपरक चप्पल कागज और इयरफोन फिंगा जो बीजेपी तीन विधायकों निलंबन करोध में विधानसभा परिसर में गांधी मूर्ति तले धारण में बसी रही है बीजेपी विधायक राति बाचस्पति बुझासुझा करते तथापि से सारा राति से बसी रही है आज सका भेटे कंग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र तथापि एमाने मानि नथिले यापर राज्य बीजेपी सहप्रभारी विजयपाल सिंह सेठे पहुंची विधायक मानको फलरस पियाई धारणा भंग कराइथिले उठिथिले विधायक माने यापर बीजेपी राज्य कार्यालय को जाई सांबादिक सम्मेलन रे बर्षिथिले बाचस्पति विरोध में खोलाखोली अभियोग करथिले जे गृह रे पक्षपात करूछन्ति विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक कहते गतकाले बिल पारित होगा समय कहवाक सुजोग दि जा ना प्रतिवाद कले भी बाचस्पति शुणी नथिले तेणु दृष्टि आकर्षण करने को बाध्य उत्क्षिप्त हेले बीजेपी विधायक बीजेपी विधायक माने आसंताकाली राज्यपाल को भेटी फेरा देवा सहित गृहीत होता बिल फेराई देवाक अनुरोध करे से कहते ये जो अशोभनीय परिस्थिति है तार कारण बाचस्पति खुद आम विधायक बंधु माने आम आलोचना करने पक्षपात रखापी आम दोष कौन आम जापारिथु बिना दोष से आम सस्पेंड हो तेणु आम बाचस्पति को निंदा करूँ आमको बिल समय पारित करने दिगला ना आम अहोरात्र गांधी मूर्ति धारणा देलु आपण मैंने प्रचार प्रसार करेले आज आम राज्यर प्रभारी सहप्रभारी मान्य विजयपाल सिंह तोमार जाकि आमको उठेले एवं से आमको कहले भाव धारणा दे ठीक अच्छी किंतु आपण मैंने जातु बार्ता दिंतु प्रेस मीडिया जरिए जनातु एवं आसंता काली गवर्नर पाक जाकि जो बिल पारित हो पठाई पुनर्वार पुनर्विचार करने गृह को फेरस्त करने राज्यपाल को नवेदन करने कहवाई परामर्श दिखाई सेहीपरि विधायक जयनारायण मिश्र कहते कार्यपाई से दुखित नुहंती किंबा बाचस्पति क्षमा मागिबे नाही बाचस्पति एपरी काम कराइबाक बाध्य कराइछन्ती बाचस्पति विरोध में महाभियोग लागि 25 जन विधायकों समर्थन आवश्यक बीजेपी 22 जन सदस्य अछन्ती आमे अन्य विरोधी दल सहित एने आलोचना करिवो मो दुखित नुहे मो दुखित नुहे जदि मोर कार्यकलापी को दुख प्रकाश हो मो फीडबैक ने मुशावासी पाखे क्षमा मागे मत कौन द्विधा ना कि बाचस्पति पाखे मु क्षमा मागार कौन प्रश्न ना महाअभोग प्रस्ताव पर आमको 28 25टा सदस्य दरकार आम पाखे केवल 22 अच्छे सालुजार दल दल जदि निष्पत्ति नब कांग्रेस आमको सहयोग कर तो दी दल मिसिक महाअभियोग प्रस्ताव आम आने से
ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବ ଦଳ ଗୃହରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଣିବୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଗତକାଲି ଏକ କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇକରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଗତ 15 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଫେରା ଦେବୁ। ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବାଚସ୍ପତି ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏମାନେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରରୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କ'ଣ ଶିଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନିଆଯାଇଥିଲା ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଲେ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇକି ଆସିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧ ଆଚରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଦେଲେନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନରୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ କହିବୁ ଆଉ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଏଠି 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କେହି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଜେପି ନେତାମାନେ, ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ସେହିମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ନେତା କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କଥା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିସାରିକି ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ବିଧାନସଭା ଭିତରୁ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବସିଲେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ରାତିରେ ବସିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅହିଂସାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ରାତି ବସିଲା ପରେ ଅହିଂସାର ଭାବ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷକୁ ସେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ହିଂସ୍ର ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାକୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଦେଶରେ ବେକାବୁ ହେଲାଣି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି, ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ପିଏମ୍ଓ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की समस्या और वैक्सीनेशन को लेकर के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद हैं, जो देश में बढ़ती कोरोना की समस्या और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम, जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, उसको लेकर के बैठक कर रहे हैं। जिस दिनों से हमने देखा कि पिछले दिनों से जिस तरह से कोरोना की मरीजों की संख्या जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ी, महाराष्ट्र के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, वहाँ पर जिस तरह से कोरोना की संख्या में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के उच्च स्तरीय बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में कोरोना की समस्या के साथ पर चर्चा की जाएगी ही जाएगी, आखिरकार इसे रोका कैसे जाए इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, उसे कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि 1 तारीख से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, तो ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है इसको लेकर के बैठक में समीक्षा हो रही है। କ୍ୟାନସର ବିପିନ କେ ସାଥ ବିନିତ କୁମାର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କରୋନା, ହୋ ହୋ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଦିନକରେ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 93,249 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,24,85,509 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦିନକରେ ଦେଶରେ 513 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର କରୋନା। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,64,623 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 60,048 ଜଣ। ମୋଟ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,16,29,000
299 को वृद्धि पाई देश में 691597 जनक चिकित्सा चली एजाए टीका नहीं 7,69,79,651 जन कोरोना संक्रमण देश में द्रुत गति में बढ़ुता बेले एवं कोरोना संक्रमित होती बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार निजे ट्वीट कर ए बाबद अक्षय सूचना देते निज ट्वीट से लिखिंटे कोविड 19 पॉजिटिव होई एवं से होम क्वारंटाइन अच्छा तेणु तक संस्पर्श में जो मैंने आजे टेस्ट कराने से अनुरोध कर एबड़े राज्य में उपर मुहा कोरोना ग्राफ दिनक आउ 471 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोधर 278 आक्रांत लोकाल केस 193 संक्रमित आज सुंदरगढ़ सर्वाधिक 85 जन कोरोन संक्रमित होती कलाहांड 50 नुआपड़ 42 खोर्धार 40 आक्रांत बाहरी Largest news network, News 18 Network.